नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच। वायरल सच का हमेशा यही प्रयास रहता है कि जनहित के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाया जाए, और आज जो मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं वो प्रशासन और सरकार की पोल खोलने के लिए काफी है। ये जो खंडर नुमा इमारत आप देख रहे हैं, ये साइबर सिटी का पटवार भवन है। जी हाँ, वो पटवार भवन जहां पूरे प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले जिले की जमीनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अरबों रुपए की जमीनों के कागज बिना अलमारियों के कैसे धूल फांक रहे हैं, ये आप स्वयं देख सकते हैं। यहां आने वाली जनता के बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, और अगर यहां आकर आपको प्यास लगती है तो इस टंकी का पानी आपको पीना होगा। सिर्फ एक शौचालय की सुविधा यहां पर उपलब्ध है, उसके हालात भी आपके सामने हैं। तो किस विकास के दावे शासन व प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है इस पटवार भवन के निर्माण कार्य के उद्घाटन के समय लगाया गया ये पत्थर। सिर्फ फोटो खिंचवाने व खबरों की सुर्खियां बनाने के लिए उद्घाटन तो हो गया, लेकिन सालों बीत गए, इमारत जमीन पर नहीं उतरी। इतने वर्षों के बाद इस इमारत के लिए टेंडर पास हुआ था या नहीं, अगर हुआ था तो वो पैसा कहां हजम हुआ, इसका हिसाब मांगने वाला शायद कोई नहीं है। क्योंकि पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश चंद्र का कहना है कि उन्होंने स्वयं पैसे इकट्ठे कर यहां कमरों का निर्माण करवाया है। सरकार द्वारा यहां एक गुड़गांव गांव का एक पटवार भवन बना हुआ है, उसमें टॉयलेट वगैरह भी है, पानी भी है, और इसके अलावा जो पटवार भवन बना हुआ है वो हमारा खुद अपने खर्चे से बना हुआ है। सरकार का इसमें कोई लेन देन नहीं। पीने का पानी गर्मियों में अपने मटके रखते हैं हम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दो बेंच पड़े हैं जो सरकार ने दिए हुए हैं या पंचायत निगम के दिए हुए हैं। रिकॉर्ड के लिए कोई सुविधा नहीं है। एक दो अलमारी कभी आती है, कोई 5-7-10 साल में एक आध, बाकी इसके अलावा कभी अलमारी नहीं मिली हमारे को। अपील सरकार से चाहेंगे अभी, और कॉरपोरेट गुड़गांव में सारा सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, तो हम भी ऐसा सोचते हैं कि हमारे भी ऑफिस ऐसे हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। ये 25 साल पुराना है। खूब डिमांड की है सरकार से भी, हमारे जो प्रशासन के यहाँ जो हमारे डीसी साहब वगैरह हैं सबसे की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आखिर क्यों प्रशासन द्वारा आम जनता के जमीनों के रिकॉर्ड को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? पटवार भवन की इस दुर्दशा का आखिर कौन जिम्मेदार है? वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि हरेरा का कार्यालय शानदार बनाया गया है, शायद इसीलिए कि यहां पर काम करवाने के लिए बिल्डरों एवं धनाढ्य लोगों को आना होता है। क्योंकि सरकार द्वारा जनता के साथ अमीर गरीब का भेदभाव किया जाता है। हमारा प्रश्न ये नहीं है कि हरेरा का ऑफिस सभी सुविधाओं से लैस व शानदार क्यों है, बल्कि वायरल सच का यही सवाल है कि पटवार भवन जहां आम जनता को अपने काम करवाने के लिए आना होता है, उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हमारा कर्तव्य है आपकी आवाज को बुलंद करना, और आपका दायित्व बनता है कि जनहित की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक व सब्सक्राइब, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। वायरल सच बनेगा आपकी आवाज। नमस्कार।